सरकारी मास्टर बनने के लिए गुरुजी वर्ल्ड को आज ही सब्सक्राइब करें। गुरुजी वर्ल्ड एक ऐसा चैनल है जो आपके यूपी टेट और सी टेट को आगामी भविष्य में एग्जाम होने वाले जो हैं उनके लिए बेहतर तैयारी कराएगा। 120 प्लस मार्क्स का यहां पर टारगेट रखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि यूपी टेट 2019 कब होगा और क्या जो है इसमें कितने बच्चे बैठेंगे इस बार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना हाई कंपटीशन होने वाला है। क्या आज का पेपर आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा नहीं है तो मैं बता देता हूं कि आज के पेपर में ये लिखा है साफ साफ कि जो परीक्षा है उसका मंथ जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, और अनिल जी ने यानी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने, सचिव हैं जो हमारे परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी PNP प्रयागराज से, जो न्यूज़ है अमर उजाला के जो प्रदेश का जो न्यूज़पेपर आता है प्रदेश पेज पर, आप जो है यहाँ पर इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज बता देते हैं यूपी टेट 2019 कब होगा और इसकी स्ट्रेटजी जो है कैसे आपको करनी है, ठीक है। देखिएगा, साफ शब्दों में आज लिखा हुआ है एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होगा, यानी इस पेपर में यानी इस एग्ज़ाम में समय कितना बचा हुआ है आप समय जोड़ सकते हो आज से कि बहुत कम बचा हुआ है। इसी बीच में आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी हैं, उनको भी क्लियर करना है, या फिर आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साथ आप यूपी टेट भी तैयार करेंगे। इसके बाद जो है अब की बार कितने लोग होंगे शामिल इस परीक्षा में, ये सबसे बेहतर जो है आपके कंपटीशन को क्रैक करने में आसानी रहेगी। अगर आपको ये पता है कि भैया कंपटीशन कितना तगड़ा है तभी आप उस लगन से तैयारी कर पाएंगे। और आपने अगर थोड़ा सा भी सोच लिया कि अरे इसे तो मैं पास ही कर लूँगा, जी नहीं, आजकल ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है और ग्रुप ए का भी एग्ज़ाम कठिन होता है। ये राज्य स्तरीय यूपी टेट का है जिसमें इस बार अक्टूबर महीने में जो फॉर्म जो है, जो अक्टूबर महीने में आपका एग्ज़ाम है लास्ट वीक में जाने वाला है, जिसमें जो है 11 लाख जो है यहाँ पर परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो आप समझ लीजिएगा अक्टूबर का जो मंथ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसलिए आज से ही अगर तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास कम समय बचा हुआ है, तभी आप इन सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। सारे सब्जेक्ट को अलग अलग कैसे पढ़ेंगे इसके लिए भी यहाँ पर स्ट्रेटजी बताई गई है कि मेहनत ही काम आएगी इस बार, हमसे जो होगा करूँगा, अब की बार 120 प्लस पार ये रहेगा गुरुजी वर्ल्ड का टारगेट। और यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स हैं बहुत बहुत स्वागत है सभी का, और बता देते हैं जितने भी बहन भाई ये देख रहे हैं वीडियो को, सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा कि 120 से एक भी नंबर कम नहीं है। जिंदगी में ये मत सोचना कि मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है मैं नहीं निकाल पाऊंगी या निकाल पाऊंगा, तो ये चीज़ दिमाग में नहीं आने देना है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में एकदम से दिल में ये बैठता है कि मेरी मैथ कुछ नहीं दिमाग में बैठता है, पर्यावरण कुछ नहीं, मनोविज्ञान कुछ नहीं, नहीं सर मेरी मैथ नहीं सही है। तो दिक्कत ये है कि आप सोच गलत रहे हो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर होती है, सभी की मैथ अच्छी होती है, बस कैलकुलेशन कठिन और जो सरल लगती है वही है आपकी कमज़ोर, ठीक है ना। कोई कमज़ोर नहीं है पढ़ने में, ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो दोस्तों जो भी होगा 120 प्लस पार अब की बार, तो गुरुजी वर्ल्ड को आज ही सब्सक्राइब करें। बेहतर स्टडी मटेरियल PDF जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, परेशान नहीं होना है। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप भविष्य के भावी टीचर हैं इसलिए आप जो है हम थोड़ा सा भी अगर आपकी हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।